अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन आज आपका लेक्चर नंबर 12th है। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को प्रिपेयर किया होगा, जो हमारा मोडेम्स के बारे में था। आज हमारा लेक्चर जो है वो नेटवर्किंग के बारे में है। कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क और नेटवर्किंग क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड जनरल नेटवर्क, जब भी हम बात करें नेटवर्क क्या होता है, बंच ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल शेयर हिज एक्सपीरियंस और आइडियाज एंड अचीव ए वन गोल, या इस तरह कहें कि एक कंपनी जो एक प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू, उनका क्योंकि नेटवर्क है, बंच ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ पीपल आपस में काम कर रहे हैं और सबका गोल जो है वो सेम है, अचीव ए टास्क, इसको हम कहते हैं कंप्लीट नेटवर्क बन जाना। इसी तरह कंप्यूटर में भी नेटवर्क्स बनते हैं और नेटवर्किंग होती है, जिसमें बंच ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और शेयर इट्स रिसोर्सेज, शेयर हिज इंफॉर्मेशन थ्रू नेटवर्क। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा। कंप्यूटर के वर्ल्ड में नेटवर्किंग की जब भी बात आएगी तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली यही बात आ जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ शेयर हो रहा है बिटवीन टू कंप्यूटर और मोर देन टू कंप्यूटर। वो डेटा हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई भी रिसोर्सेज आपस में शेयर हो सकते हैं। नेटवर्क्स आर बिल्ड विद अ मिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेटवर्क तभी बिल्ड होता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दोनों मौजूद हों। नेटवर्क्स की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास यहाँ पे, सॉरी तीन टाइप्स होती हैं कि नेटवर्क कौन कौन से, कितने कितने उसके लिमिटेशंस हैं, उसके एडवांटेजेस हैं। हमारे पास थ्री टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लैन कहते हैं, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम वैन कहते हैं, और एक होता है मेट्रोपोलिटन एरिया जिसे हम मैन कहते हैं। लैन, मैन, वैन, इस तरह याद हो जाते हैं। एरिया नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क्स कैन बी कैटेगराइज इन सेवरल डिफरेंट वेज। वन अप्रोच डिफाइंस द टाइप ऑफ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक एरिया इट स्पैन्स। ये तीनों कुछ ना कुछ एरिया कवर करते हैं, तीनों का डिफरेंट है, इसलिए इनके नाम भी इसी तरह है। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो सिर्फ लिमिटेड एरिया को कवर करता है। लिमिटेड एरिया में इसकी एक्सेस होती है, लिमिटेड एरिया में ही इसको इस्टेब्लिश और इंस्टॉल किया जाता है। जिस तरह हमारा कोई ऑफिस हो गया उसमें इस्टेब्लिश हो सकता है, हमारा कोई रूम हो गया उसमें इस्टेब्लिश हो सकता है, हमारा घर हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस की कोई बिल्डिंग होगी, इस तरह के लिमिटेड एरिया को कवर करना हो तो तब लोकल एरिया नेटवर्क ही इस्टेब्लिश किया जाता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर वाइड एरिया भी हो सकता था, लेकिन वाइड एरिया जो है वो लिमिटेड एरिया नहीं बल्कि बहुत वास्ट एरिया को कवर करता है, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसलिए इसे लिमिटेड एरिया मीन्स के लोकल एरिया नेटवर्क में इंस्टॉल नहीं किया जाता। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करते हैं, सिटी टू सिटी मीन्स के आप ऐसे कह लें कि इस्लामाबाद से मुल्तान अगर आपस में कनेक्ट होना है वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, तो हम सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट हम जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे, और इवन अक्रॉस द वर्ल्ड।
आपस में हम यहाँ बैठे हैं और ऑस्ट्रेलिया में कोई हमने नेटवर्क इस्टेब्लिश किया या वहाँ से कोई काम कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं अपना कोई डाटा, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही इस्टेब्लिश हो सकते हैं। और इंटरनेट हमारे लिए लार्जेस्ट पब्लिक वैन है। इंटरनेट यूज़ करते हुए हम दुनिया के किसी भी कोने के साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने डाटा को। लोकल एरिया नेटवर्क को इजी होता है एस्टैब्लिश करना एज कंपेयर टू वाइड एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ सिटी, मैन इज लार्जर देन द लैंड बट स्मॉलर देन द वैन। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसा है कि अगर आपने सिटी टू सिटी अगर आपने कवर करने हैं या सिर्फ एक ही सिटी में रहते हुए मुल्तान को, खानेवाल को, इस तरह भावलपुर को, एक एक सिटी को अगर कवर करना है तो हम मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया यूज नेटवर्क यूज करते हैं। तीनों टाइप्स आपको समझ आ जाई होंगी। लोकल एरिया में लिमिटेड एरिया को कवर करते हैं, वाइड एरिया में बहुत सारे एरिया को कवर करते हैं जिसमें अक्रॉस द सिटी आ जाता है, स्टेट्स आ जाता है, इवन के हम अक्रॉस द वर्ल्ड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिर्फ सिटी टू सिटीज जो हम सिर्फ कवर कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम नेटवर्क डिजाइन के बारे में। नेटवर्क के हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के डिजाइन हैं, जिसमें क्लाइंट एंड सर्वर्स कंप्यूटर आता है, नेटवर्क आता है, और एक आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑल्सो डिफरेंट इन देयर डिजाइन। ये डिजाइन में भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। द टू बेसिक्स फॉर्म ऑफ नेटवर्क डिजाइन आर कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर एंड पीयर टू पीयर। क्लाइंट एंड सर्वर नाम से हमें पता चल रहा है पेरेंट्स हमारे एक्ट एज ए सर्वर हैं और क्लाइंट हम हैं, मतलब हम यूजर हैं, हम उनके जो चाइल्ड हैं वो हम यूजर हैं या क्लाइंट ले लें। पेरेंट्स हमें अपने रिसोर्सेज देते हैं, शेयर करते हैं रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ स्पेसेस, इन टर्म ऑफ हमारे जितने भी एक्सपेंस हैं, हमें अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो एक्ट एज ए सर्वर है। ये कॉमन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह कंप्यूटर में भी सर्वर्स यूज किए जाते हैं जो क्लाइंट जो उनके साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं होते, तो क्या होता है सर्वर कंप्यूटर उनको रिवाइज उनको सर्विसेज और उनको अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कि आप इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कोई भी अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो ये होता है क्लाइंट एंड सर्वर। मीन्स के क्लाइंट ने अगर कोई रिक्वेस्ट किया तो वो सर्वर उसको प्रोवाइड करेगा, लेकिन सर्वर लेकिन क्लाइंट एक्ट एज ए सर्वर नहीं हो सकता। इसकी बहुत सारी आगे लिमिटेशंस हैं। कभी कभार क्लाइंट कंप्यूटर को भी एक्ट एज ए सर्वर भी कहा जा सकता है। नेटवर्क फीचर्स सेंट्रलाइज सर्वर्स कंप्यूटर दैट स्टोर ईमेल, वेब पेजेस, फाइल्स और अदर एप्लीकेशंस। सर्वर्स, अब आप कहते हैं कि आप कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और आपके पास चंद सेकंड के अंदर दुनिया में जो जो भी उससे रिलेटेड डाटा होता है वो आपको प्रोवाइड हो जाता है। यही चीज़ है कि सर्वर्स में डाटा मौजूद होता है। जब भी आप कोई क्लिक परफॉर्म करते हैं जो लोगों ने अपलोड किया होता है, वो आप जब भी एज ए क्लाइंट उसको सर्च करते हैं, उसको मांगते हैं, ढूंढते हैं, तो क्या करता है सर्वर कंप्यूटर, वो आपको प्रोवाइड कर देता है। और इसी तरह सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारी हमारी ईमेल्स को सेव करता है, हमारे बहुत सारे वेब पेजेस को सेव करता है, हमारी बहुत सारी फाइल्स को, बहुत सारी कंपनीज के जो सारे के सारा डाटा है वो सर्वर्स ही में स्टोर होता है। कभी कभार आ रहा होता है ना कि आप लोगों का कि जेएस का लिंक डाउन है या कुछ इस तरह, तो वो असल में लिंक डाउन तो होता ही होता है, इसलिए सर्वर में कोई
या तो वो मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं, या सर्वर डाउन हो। पीयर टू पीयर नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई भी कंप्यूटर सुपीरियर नहीं होता। सुपीरियर मींस का कोई भी हाई प्रोफाइल नहीं होता, सारों कंप्यूटर्स का लेवल जो है वो सेम होता है। एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर मच मोर कॉमन इन बिजनेस। लेकिन इसके बारे में क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ बिजनेस में। क्यों? क्योंकि सर्वर्स कंप्यूटर के पास सारे के सारे डाटा सेव होता था और हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था, डायरेक्ट सर्वर्स हमें प्रोवाइड करता था। लेकिन पीयर टू पीयर में नेटवर्क आर मच मोर कॉमन इन होम्स। जो घरों में अक्सर जो ऑफिस वगैरह बन जाते हैं या घरों में आपस में जो काम किए जाते हैं उनमें कोई सुपीरियर नहीं होता लैपटॉप या कंप्यूटर, उसमें सारों के लैपटॉप या जो कंप्यूटर होते हैं वो डिवाइसेस सेम होती हैं, सेम लेवल की होती हैं। आगे हम आ जाते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, यहाँ पढ़ते हैं। अ नेटवर्क कैन बी कन्फिगर और अरेंज इन अ डिफरेंट वे। नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जाता है और अरेंज किया जाता है बहुत सारे मुख्तलिफ वेज में। द फिज़िकल ले आउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। फिज़िकल ले आउट में और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, हमें अरेंज करना है बहुत सारी डिवाइसेस को। उस अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस में जब हम किसी नेटवर्क के थ्रू इस्टेब्लिश करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर फॉलोज। बहुत सारी हमारे पास टोपोलॉजीज हैं यहाँ पर, बस, स्टार, रिंग, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी हमारे पास हैं, ये फाइव हैं। बस के बारे में बात करते हैं। बस टोपोलॉजीज आर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। इट्स सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन मीडियम। This medium is often a central wire known as a bus. Bus topology जो है वो simplest type of network है जिसमें हम establish होता है network। इसमें क्या होता है कि दो end होते हैं terminal, एक right side पे और एक left side पे, और एक पूरी bus की तरह जिस तरह हम bus में बैठे होते हैं दरमियान में रास्ता होता है, साइडों पे आपके seats होती हैं, इसी तरह bus topology में भी क्या होता है, एक लंबी सी केबल होती है, वायर होती है जो उसकी बैकबोन एज एक्ट करती है, और उसके थ्रू सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे हम सेंट्रल वायर भी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है स्टार की तरह आपस में कनेक्टेड होती हैं वाया हब। वाया हब, हब क्या होती है, सेंट्रल डिवाइस होती है जो सारों को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। स्टार टोपोलॉजी में ये सिर्फ डिसएडवांटेजेस है कि अगर हब खराब हो गई तो सारों के साथ जो कम्युनिकेशन था वो डिसेबल हो जाएगा। और हब का ये फ़ायदा भी है, अगर हब के साथ कोई कनेक्शन हुआ हुआ है किसी दूसरे कंप्यूटर का, क्योंकि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, अगर एक भी डिसेबल हो जाए तो बाकियों पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो अलग से कंप्यूटर जो है वो डिसेबल हुआ, ना कि हब, तो इसलिए बाकियों के साथ उसका कम्युनिकेशन होता था। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, अभी हमने पढ़ा है। रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। रिंग टोपोलॉजी मीन के रिंग की तरह सर्कुलर फॉर्म में आपस में कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर, एक के साथ नेक्स्ट, एक के साथ नेक्स्ट। इसका ये डिसएडवांटेजेस है कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्यूटर्स रिंग में लगे हुए हैं और अगर एक की भी कहीं से डिसेबल हो जाता है या कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो पूरे रिंग में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था या रिसोर्सेज जो आपस में शेयर हो रहे थे वो ख़त्म हो जाते हैं। ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये क्या करती है, बस के और स्टार के जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह वो सेंट्रल हब के तौर पर काम कर रहा होता है स्टार टोपोलॉजी,
और जो बस टोपोलॉजी है वो सेंट्रल वायर के थ्रू काम कर रहा होता है। इसी तरह ट्री टोपोलॉजी क्या कहती है, दोनों के वो करेक्टरिस्टिक्स गेट कर लेती है और उसके थ्रू नेटवर्क बनाती है। एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर अटैच इन अ स्टार टोपोलॉजी टू ग्रुप आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। और उसके बाद वो एक पूरी जिस तरह ट्री का तना होता है और वो पूरी बैकबोन होता है उसकी तना जो है, इसी तरह ट्री टोपोलॉजी भी है, वो बहुत सारे बंचेस को, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उस केबल के साथ कनेक्ट कर दिएगा। आगे आ जाते हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इन अ मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज फिजिकल कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस नेटवर्क के अंदर फिजिकली कनेक्ट होती है, एक दूसरे में आपस में फिजिकली कनेक्ट होती है और एक दूसरे के साथ भी इसी तरह फिजिकली कनेक्ट होती है। अ मैसेज कैन बी सेंड ऑन अ डिफरेंट पॉसिबल पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। और इसके अंदर बहुत सारे वेज होते हैं सोर्स, अगर सपोज भी मैंने वन कंप्यूटर पे बैठा हूँ और मैंने भेजना है सिक्स कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजना है, तो मेरे पास बहुत सारे पॉसिबल वेज होंगे कि मैं उसको मैसेज सेंड कर सकूँ। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। मैश टोपोलॉजी ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट की और रिलायबल हुआ हमारे लिए। ये थी हमारे पास टोपोलॉजीज की बात। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। इसको प्रिपेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, बी अमान।